बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर बीजेपी कार्यालय में सरकार में नवनियुक्त दायित्वधारी अनिल कपूर, डब्बू और सुरेश भट्ट का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का पार्टी कार्यालय में फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया है। इस दौरान अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में निर्वहन करेंगे। वहीं सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे वो बखूबी निभाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जो दायित्व दिया है, जिस आशा और अपेक्षा के साथ मुझे दायित्व दिया है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य मिले, सुलभ मिले और सुगमता के साथ। जब स्वागत करते हैं तो सब लोग दुगने मनोबल के साथ काम करते हैं। आदरणीय कैलाश पंत जी और हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने पूरा जीवन संगठन के लिए लगाया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए जो सरकार ने हमें दायित्व दिया है, हम उत्तराखंड की सेवा के लिए सरकार के निर्देशानुसार समर्पण भाव से काम करेंगे। सुरेश भट्ट जी मौजूद है, आप मौजूद है, कैसे कहेंगे उत्तराखंड सरकार में लगातार बढ़ाने के लिए काम आप लोगों ने करा है? निश्चित रूप से प्रत्येक जनता के जनमानस तक